जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ जो है ये कंपाइलेशन होगा जो यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स है उन सब बुक्स का, लाइक आप मान लीजिए बिपिन चंद्र हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया या एनसीईआरटी हो गया। और हर टॉपिक के एंड में उस टॉपिक के रिलेवेंट किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्री और मेंस में, उसका भी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, डिस्कशंस किया जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये आपके प्री और मेंस में दोनों में बहुत बेनिफिशियल होगी। इसी के साथ साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज की पहली टॉपिक की, जो कि है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट वन। हमारा देश जो है वो प्राचीन टाइम से बहुत सारी चीज़ों का हब माना जाता है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो नहीं मिलता है। लाइक आप मान लीजिए पेपर हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गया, सिल्क हो गया, वो बाहर की कंट्रीज़ में नहीं मिलता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलता है। तो इसीलिए जो फॉरेन पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड थी कि कैसे हमारे देश में आके वो सारी चीज़ें ले जाए और अपने देश में बेचे। लेकिन जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तब क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वो टूट गया। इंडिया एंड यूरोप के बीच में एक बीच वाले बंदे आ गए और वो थे अरब मर्चेंट्स, जिन्होंने यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया। लाइक अगर यूरोपियंस को इंडिया आना होता था तो अरब मर्चेंट्स से होके गुजरना पड़ता था और अरब मर्चेंट्स के मर्सी पे रहना पड़ता था। लाइक अगर अरब मर्चेंट्स कहेंगे कि तुम नहीं जा सकते हो उस पार, तो वो नहीं जा पाते थे और इसलिए उनका बहुत लॉस होता था। अगर वो मना कर देते थे तो वो परचेजिंग करने नहीं आ सकते थे इंडिया। सो इसी से शुरुआत हुई द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया। द पोर्टुगेज यानी कि जो यूरोपियन पावर थे, सबसे पहले यूरोपियन पावर जो इंडिया में आए थे, पहले तो मेहमान बन के आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि इंडिया इतना ज़्यादा हब है, यहाँ इतना ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो उन्होंने अपना डेरा ही जमा लिया। तो द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स टू कम इंडिया वॉज पोर्टुगेज। तो पोर्टुगेज कैसे आए थे, क्योंकि जब डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया था तब पोर्टुगेज जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा था कि एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक अल्टरनेटिव सी रूट ढूंढा जाए जिससे कि इंडिया तक पहुंचा जाए और इन अरब मर्चेंट्स के मर्सी में ना रहे हम। मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट्स थ्रू अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स। जैसे कि यहाँ पे मैप में आप देख रहे हो, ये है यूरोप, ये है यूरोप और ये है हमारा हिंदुस्तान। तो अगर उनको यहाँ से यहाँ आना होता था तो ये पर्शिया, अरबिया, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनसे होके जाना पड़ता था, जिसका एडवांटेज जो है ये कंट्रीज़ हैं ये लेते थे पूरा। और इसीलिए उन्होंने जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, जो अरब कंट्रीज़ थे, वो एक विलेन का काम करती थी। लाइक ये देखिए, ये इंडिया, ये यूरोप, ये मुस्लिम इंटरमीडिएट्स, अरब इंटरमीडिएट्स, ओके, नॉट मुस्लिम, इट वाज अरब इंटरमीडिएट्स, ओके। तो ये एक विलेन का काम करती थी, तो इसीलिए यूरोपियंस वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। In such circumstances, Europeans were keen to find a direct sea route to India. Therefore, 15th century Europe was gripped by the spirit of Renaissance with its call for exploration. उन सारी परिस्थितियों में जो था, यूरोपियंस ने सोचा था कि अब ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही करना है इंडिया से, हम कब तक अरबियंस के, अरब मर्चेंडाइज की मर्सी पे रहेंगे, हमें कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो 15th सेंचुरी जो था वो यूरोपियंस के लिए एक रेनेसेंस का पीरियड था, जहाँ पे उनको लाइक दे वेर कीन टू फाइंड ए ऑल्टरनेटिव रूट एंड वेर जो उनको बोलते हैं ना कि सागर एक्सप्लोरेशन हमको पुकार रहा है,
उस तरह से दे वर कॉलिंग देम दे वर कीन टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव रूट टू द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट ओके द नॉर्थ यूरोपियंस वेर रेडी टू एड पोर्टुगल एंड स्पेन विथ मनी एंड मैन नॉर्थ यूरोपियंस जो थे क्योंकि पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो था वो बहुत ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि कब तक हम लोग ऐसे बीच वालों के बीच में जाके जाएंगे उस तरह से तो नॉर्थ यूरोपियंस ने पोर्टुगल को बोला था और स्पेन को बोला था कि तुम लोग को कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना है ढूंढो जो करना है करो पैसे चाहिए हम देंगे मैन चाहिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए सब कुछ हम देंगे बट तुम लोग कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे हमको एक डायरेक्ट रूट मिल सके The idea of finding an ocean route to India has become an obsession for Prince Henry of Portugal, who was nicknamed the Navigator. तो जब जो यूरोपियन वालों ने पोर्टुगल वालों को बोला कि हम तुम्हें मनी और मैन से सपोर्ट करेंगे तुम बस कोई तरीका निकालो कोई जुगाड़ निकालो कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालो तब ये जो था अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने का एक सी रूट निकालने का टू फाइंड द अननोन कॉर्नर्स ये ऑब्सेशन बन गया था ये इस बंदे का जिसका नाम था प्रिंस हेनरी ये पोर्टुगेज के निवासी थे और ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस थे उस चीज़ से कि मुझे तो ढूंढना ही है उस कॉर्नर में क्या है मुझे जाना ही है और वो भी सी रूट से तो ये उनका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि उनको निकनेम ही दे दिया था वहाँ के निवासियों ने कि द नेविगेटर ही वॉज ऑब्सेस्ड विद नेविगेटिंग एंड टू फाइंड कि क्या है उस कॉर्नर में कैसे जाएँ क्या तरकीब लगाएं कि उस कॉर्नर पर पहुँच सके और ये जो बंदे थे प्रिंस हेनरी उनको रेड सिग्नल दिया था इस बंदे ने पोप निकोलस इन्होंने क्या कहा था प्रिंस हेनरी को बोला था कि तुम जाओ तुम्हें जहाँ तक हो सके तुम जाओ ढूंढो एक्सप्लोर करो और ढूंढो और जो उनके जो राइवल्स थे लाइक अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स उस केस में तो उनके सबसे बड़े राइवल्स थे अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स उनसे लड़ो उनको हराने का कोई तरीका निकालो और हमारी जो क्रिश्चियनिटी है उसको चारों ओर फैलाने में मदद करो ये पोप निकोलस ने प्रिंस हेनरी को बोला था और उनको रेड सिग्नल देते हुए कहा था कि तुम जाओ जैसे DDLJ में कहा नहीं था अमरीश पुरी ने सिमरन को जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी तो उसी तरह से पोप वी निकोलस ने प्रिंस हेनरी को ये बोला था कि तुम जाओ और जी लो अपनी जिंदगी अपना ऑब्सेशन पूरा करो लेकिन प्रिंस हेनरी का ये जो ऑब्सेशन है ये जो ड्रीम है ये रियलिटी में नहीं बदल पाया उनके द्वारा और उससे पहले ही उनका देहांत हो गया और उसी दौरान ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडस जो था उसकी शुरुआत हुई थी 1497 में और ये हुआ था पोर्टुगेज और स्पेन के बीच में जिसके तहत एक इमेजिनरी लाइन जो है वो कंडक्ट किया गया था केप ऑफ गुड होप जो केप ऑफ केप वर्डी आइलैंड्स के इर्द गिर्द में जिसके तहत जो है उसका ईस्ट साइड जो है वो पोर्टुगेज को जाएगा और वेस्ट साइड जो है वो स्पेन को जाएगा ये जैसे कि आप देख रहे हो ये इमेजिनरी लाइन कंडक्ट किया गया था जिसके ईस्ट साइड में जो है ये पोर्टुगेज को जाएगा और वेस्ट साइड जो है वो स्पेन को जाएगा इस हिसाब से अपना देश अपना इंडिया जो है वो पोर्टुगेज के पास आ जाएगा जाएगा मतलब उनके उनके नाम नहीं हो जाएगा दे वेर अलाउड टू एक्सप्लोर दिस साइड ओके पोर्टुगेज वेर अलाउड टू एक्सप्लोर द ईस्टर्न कॉर्नर्स एंड स्पेन वेर अलाउड टू एक्सप्लोर द वेस्टर्न कॉर्नर्स एज पर द ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडस एज पर द ट्रीटी पोर्टुगल कुड क्लेम एंड ऑक्युपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट While Spain could claim everything to the west, जैसे कि मैंने कहा The situation was thus prepared for the Portuguese incursions into the water around India. ये थी शुरुआत पोर्टुगेज की इंडिया में घुसने की बोलते हैं ना पहली सीढ़ी This was the first step कि पोर्टुगेज कैसे आया हमारे देश में ठीक है ये थी पहली सीरी ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडस जिसके तहत उनको पावर दी गई थी कि वो इस साइड ईस्ट साइड में एक्सप्लोर कर सके और एक्सप्लोर करते करते वो इंडिया में पहुंच गए
expedition of Portuguese ships headed out to India and arrived in India in 11 months later, May 1498. जब उनको ये ट्रीटी ऑफ टॉर्सिलास के बाद उनको ईस्टर्न साइड एक्सप्लोर करने की परमिशन मिल गई थी, तब क्या हुआ था, वो निकल पड़े अपने झोला उठा के शिप में बैठ के, आगे वो 1497 में, और तैरते तैरते शिप में आके पहुँचे 11 महीने बाद 1498 में। लाइक जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, छोटे छोटे शहरों से हम तो झोला उठा के चले, वो अपनी छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े झोला उठा के शिप में बैठ के आ गए। वास्को द गामा जो थे, ये जो थे, ये बहुत लैंडमार्क इवेंट हुआ था हिस्ट्री में, और हमारे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में ही नहीं, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये एक लैंडमार्क इवेंट था, जब वास्को द गामा जी जो थे वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे 3 शिप्स को लीड लेके हुए, और उनके जो जहाज के जो कैप्टेन थे वो थे गुजराती पायलट जिनका नाम था अब्दुल मजिद, और वो पहुंचे थे पहली बार कालीकत में इन मई 1498, और ये एक लैंडमार्क इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। जब वास्को द गामा 3 शिप्स लेके आए थे हमारे हिंदुस्तान के कालीकत में, उस दौरान कालीकत जो था उनका जो रूलर था वो एक हिंदू रूलर थे और उनका नाम था जामोरिन। उन्होंने वास्को द गामा का बहुत तहे दिल से स्वागत किया, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में कहावत है अतिथि देवो भव, हम मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं, तो इसीलिए उनकी वास्को द गामा जी जब पोर्टुगीज से हिंदुस्तान में आए एक्सप्लोर करने के इरादे से, तो उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया। वास्को द गामा जब पहली बार हिंदुस्तान आए तब वो 3 महीने के लिए रुके थे, और उस दौरान उसके बाद वो पोर्टुगल लौटे, और उस दौरान जब वो लौटे थे तब वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गए, हिंदुस्तान का प्यार लेके गए, और साथ में जो पेपर्स थे, जो हब माना, जो प्रेशियस चीज़ें थी जो बाहर नहीं मिलती थी, वो बहुत कम रेट्स में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने बेचा। वास्को द गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स एंड व्हेन ही रिटर्न टू पोर्टुगल ही कैरीड बैक विथ हिम अ रिच कार्गो एंड सोल्ड द मर्चेंडाइज इन द यूरोपियन मार्केट एट अ ह्यूज प्रॉफिट। तो जब वास्को द गामा इतनी कम रेट्स में लेके गए और इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो ऑब्वियसली उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनके जो फेलो मर्चेंट्स थे, उनकी तो आंखें लाल हो गई जेलसी के मारे। उन्होंने कहा भाई इसकी तो लॉटरी लगी, अब तो हम भी जाएंगे, ये कैसे चला गया, हम भी जाएंगे। ऑब्वियसली ये सबका नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये। तो वो लोग भी बोले कि भाई इसको इतना गिफ्ट मिला, इंडिया में इतना स्वागत करते, इतनी अवगत करते, इतनी चीप चीज़ें मिलती है, लाइक इतनी सस्ती रेट्स में मिलके इतनी ह्यूज प्रॉफिट कमाया, तो देवे लाइक हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो दूसरे मर्चेंट्स भी निकल पड़े अपनी झोला उठा के इंडिया आने के लिए। तो इसीलिए एक वॉयज वॉज अंडरटेकन बाय पेड्रो अल्वारेस कैब्रल टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस, नेगोशिएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ए फैक्ट्री एट कालीकट। फिर जो दूसरे मर्चेंट थे, एक जो मर्चेंट थे वो थे पेड्रो एल्वरेज, ये एक स्टेप आगे थे वास्को द गामा से। वास्को द गामा तो आए थे सामान लेके, थोड़ा मेहमान नवाजी लेके वापस चले गए, लेकिन ये जो महाशय थे इन्होंने तो फैक्ट्री ही बनाने की परमिशन ले ली। लाइक मेहमान क्या, ये तो डेरा जमाने के लिए आ गए कि हम तो उधर ही बसेंगे जी। तो इसीलिए उसके बाद तुम हमारे जो लोकल लोग थे उनके बीच में थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हमने तुम्हें मेहमान बन के आने के लिए दिया, तुम मेहमान बन के जाओ, तुम तो डेरा ही जमा के बैठ गए यार, तुम तो फैक्ट्री बना के बैठ गए हमारी जगह पे। तो इसीलिए उनको थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, थोड़ी बॉम्बार्डमेंट हुई, लेकिन क्या यूरोपियंस तो बहुत ज़्यादा मतलब शातिर थे, तो उन्होंने बहुत सारी नीतियों का इस्तेमाल किया, लाइक साम दाम दंड भेद, दंड में काम नहीं चला तो उन्होंने साम का या दाम का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या किया, जो रूलर्स थे उनके साथ नेगोशिएशंस कर ली और बहुत सारे ट्रीटीज़ बनाई, और
कोचिन और कैनोर के रूलर्स के साथ हाथ मना लिया और उनको बोला कि हम तुमको कुछ पैसे देंगे और इसके बदले में तुम हमको इधर रहने की फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दो। तो इसके तहत जो थी वो ट्रीटी स्थापित हुई और शांतिपूर्वक काम हो गया। फिर क्या था, वास्को द गामा जी जो थे वो फिर से एक बार हिंदुस्तान आए इन 1501 और फिर उन्होंने भी कहा अब तो दूसरे लोग भी फैक्ट्री बना रहे तो हम भी फैक्ट्री बनाएंगे। तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि अब उन्हें भी फैक्ट्री बनानी है किन्नौर में। तो इसीलिए जो किन्नौर, कालीकत एंड कोचिंग था, ये तीनों जगह जो थी ट्रिपल सी, ये पोर्टुगेज ने अपनी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए थे, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बना ली थी और वहाँ से वो ट्रेड्स करते थे, यहाँ वहाँ से चीज़ें लेके अपने पोर्टुगेज बेचते थे, लेके जाते थे और डायरेक्ट बनाते थे। ये जो थ्री सी थे उन पे एक तरह से उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। तो जब पोर्टुगेज लोगों ने जो था वो थ्री सी पे अपना जो कब्ज़ा कर लिया था, उनका ट्रेडिंग का जो काम था वो इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था, तब जो पोर्टुगेज में बैठे उनके लोग थे वो लोग ने क्या कहा, जो रूलर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जो उनका किंग था उन्होंने कहा कि एक गवर्नर को भेजा जाए जो कि पूरी जो उनका जो ट्रेडिंग सेंटर्स है इंडिया में उनका संचालन करे और प्रोटेक्ट करे, उनकी जो ट्रेडिंग चीज़ें हैं उस पर कोई विघ्न ना आए या फिर उन पर कोई विपत्ति ना आए, उसकी वो निगरानी करे। In 1505, the King of Portugal appointed a governor in India for a three-year term and equipped the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interest. तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गया था, उन्होंने जो किंग था पोर्टुगेज में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हमारा तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे इंडिया से, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारी फोर्सेस दी, मनी सप्लाई दी और एक गवर्नर भी दिया इंडिया में रहे उनके पोर्टुगेज साथी को, ताकि उनके व्यापार पर कोई विपत्ति ना आए। तो जो पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। He was a newly appointed governor and was asked to consolidate the position of Portuguese in India. He position Portuguese ki position jo hai India mein wo dikkat mein na aaye, wo musibat mein na aaye aur wo bani rahe, isko sanchalan karne ki zimmedari jo hai wo Francisco de Almeida ji ko saunpa gaya tha. जैसे कि यहाँ पे पोर्टुगेज के किंग ने बोला अल्मेडा जाओ भारत और हमारे राज्य की भारत और हमारे राज्य की रक्षा करो भारत में। तो ये जो मंत्री है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा उन्होंने कहा जो हुक्म महाराज, मैं हमारे लोगों की आंच भी नहीं आने दूंगा हमारे भारत में। सो ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्टुगेज प्रोटेक्टिंग द पोर्टुगेज पावर इन इंडिया। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई एक्सेंट बिकॉज मेरा एक्सेंट जो है हिंदी का कभी कभी वो हो जाता है, डगमगा जाता है। लेकिन क्या था, पोर्टुगेज जो गवर्नर था उनकी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल पहले तो जामोरिन थी, जो वहाँ के लोकल रूलर थे, ऑब्वियसली उनको गुस्सा आएगा ही, उनके जगह पे आके वो लोग डेरा जमा के बैठ गए। अगर कोई आपके घर में मेहमान बन के आएगा और आपके अपने घर को अपना घर बताने लगेगा तो हर किसी को गुस्सा आएगा। तो इसीलिए जो अल्मेडा जी थे उनके सबसे बड़े ऑब्स्टेकल थे उस टाइम पे जामोरिन, और उनके दूसरे ऑब्स्टेकल थे जो इजिप्ट के मामूल सुल्तान थे, वो क्योंकि वो भी जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया था तब उनको जो इजिप्ट वाले लोग थे उनको भी टैक्सेस मिलना बंद हो गया था, और ये जो थे इजिप्ट के जो सुल्तान थे ये भी उनके राइवल थे। तो इसीलिए ये दोनों जो थे अल्मेडा जी के सबसे बड़े दुश्मन थे उस टाइम पे। तो 1507 में पोर्टुगेज के बीच में पोर्टुगेज और जो गुजराती और अल्मेड गुजराती लोग और इजिप्शियंस के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें अल्मेडा के सन की डेथ हो गई, और अल्मेडा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं अब तो बदला लेना है, उन्होंने उठ के अपने जो सारे दुश्मन थे उनका नाश कर दिया एंड उन्होंने रिवर्स बैटल में उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया दूसरे बैटल में।
अब हम देखते हैं कि अल्मेडा जी के बारे में कुछ खास बातें जो कि आपके प्रिलिम्स में काम आ सकती है, विच इज कॉल्ड टिडबिट्स फॉर प्रिलिम्स। अल्मेडा जी जो थे उनका ये मानना था कि जो इंडियन ओशन है उस पर राज करे, और उनकी जो पॉलिसी था उसको बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। वो चाहते थे कि इंडियन ओशन की मोनोपोली पे पूरी तरह से पोर्टुगीज का अधिकार हो और इंडियन ओशन पे वो राज करना चाहते थे, और इसीलिए ही वांटेड टू मेक पोर्टुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, और इसीलिए उनकी पॉलिसी को बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मेडा के बाद जो गवर्नर अपॉइंट किए गए उनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बेकर। वो जो थे उन्होंने अल्मेडा को सक्सीड किया था, और ही वॉज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया एंड वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर। वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने जो है पोर्टुगीज के लिए इंडियन ओशन पे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है वो स्थापन कर लिया था। इंडियन ओशन पे चार पोर्ट्स बनाए थे, जो ओशन के चारों इर्द गिर्द जो है पोर्ट्स बनाए थे, जिससे क्या होता था कि जो बाहर की कंट्रीज है अगर वो इंडियन ओशन के सहारे दूसरे पार्ट में जाएंगे तो उनको पोर्टुगीज के थ्रू होके जाना पड़ता था। जो अल्मेडा का जो ब्लू वाटर पॉलिसी था वो रियलिटी में कन्वर्ट किया ये सेकेंड गवर्नर जनरल अल्फोंसो जी ने। उन्होंने बेसिस बना लिए थे, जो इंडियन ओशन है उसके चारों इर्द गिर्द उन्होंने बेस बना लिए थे, और पोर्टुगीज के जो बेसिस थे वो ईस्ट अफ्रीका थे, ऑर्नर्स में थे, मलाबार में था और मलक्का में था। तो इन शॉर्ट इंडियन ओशन को पूरी तरह से उन्होंने घेर लिया था। ये जैसे कि आप देख रहे हो, अगर यहाँ से कोई बंदा आएगा या फॉरेन पावर आएगी, इंडियन ओशन को जाना पड़ता था, तो बीच में पोर्टुगीज रुको करके बोलते थे, रुको तुम नहीं जा सकते। ये पोर्टुगीज के ऊपर होता था कि वो उनको जाने देंगे कि नहीं। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए थे वो थे नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा ने क्या किया था, उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो कोचिन से गोवा में ट्रांसफर कर लिया था, और इसके दौरान जो था गोवा को गोल्डन एज बोला जाता था, क्योंकि गोवा में जो था बहुत सारी स्ट्रैटेजिक डिसीशंस पोर्टुगीज के, बहुत सारी बिल्डिंग्स बने गए थे, बहुत सारी स्ट्रैटेजिक डिसीशंस लिए गए थे, लाइक हेडक्वार्टर बना गया था ना, तो वहाँ से ही सब कुछ ऑपरेट होता था। अभी भी आप जाओगे गोवा साइड में तो बहुत सारी पोर्टुगीज बिल्डिंग्स दिखेगी आपको, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाई थी उन्होंने, अभी भी उन पर आँच भी नहीं आई है। गोवा मुंबई साइड भी आप जाओगे तो बहुत सारी पोर्टुगल बिल्डिंग आपको दिखेगी। नीनो दा कुन्हा अज्यूम्ड ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ पोर्टुगल इन नवंबर 1529 एंड शिफ्टेड द पोर्टुगीज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचिन टू गोवा। उस दौरान जो थे गुजरात के जो रूलर थे उनका नाम था बहादुर शाह, और उनकी जो थी हुमायूं जी के साथ, जो उस टाइम पे मुगल एम्पायर थे उनके साथ बनी नहीं थी, उनके साथ उनकी थोड़ी लड़ाई हुई थी या कन्फ्लिक्ट हुई थी। तो बहादुर शाह जी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जी ने पोर्टुगीज को कहा कि तुम हमारे साथ हाथ मिला लो और मुझे हुमायूं जी को हराने में मदद करो, और इसके बदले में हम तुम्हें जो आइलैंड ऑफ बसीन है वो तुम्हें दे देंगे, उसका कंट्रोल दे देंगे, इसकी जो रेवेन्यू राइट्स है सब कुछ तुम्हें दे देंगे, बस तुम हमारे साथ मिल जाओ, अपनी पावर मैन की सप्लाई हमें दो और मुगल एम्पायर को हराने में हमारी मदद करो। सो गिव एंड टेक पॉलिसी। सो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस थी पोर्टुगीज की जिन्होंने उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने में मदद करी इंडिया में, या लाइक मान लीजिए वो लोग लाइक ट्रेडिंग करके मेहमान बन के आए थे और उन्होंने अपना पूरी तरह से डेरा जमा लिया था और नेगोशिएट करने में भी वो सफल हो गए थे, और यहाँ तक कि जो बहादुर शाह जी उन्होंने अपना ट्रीटी ऑफ बसेन भी आइलैंड ऑफ बसेन भी उनको दे दिया था। तो लाइक इतना ज़्यादा फेवरेबल हो गया था इंडिया उनके लिए, तो वो कौन सी कंडीशंस थी उनको एनालाइज करते हैं।
इंडिया जो था उसमें सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो थे छोटे छोटे रूलर्स द्वारा रूल किए जाते थे, एक टोटल लीडरशिप की कमी थी, जिसकी वजह से जो थे फॉरेन पावर्स आके आसानी से अपना जो है कब्जा कर बैठे थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो बाद में हम पढ़ेंगे उसमें भी दिखाया गया है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी थी। छोटे छोटे रूलर्स नो डाउट दे वर वेरी एफिशिएंट, बट एक सेंट्रल जो है लीडरशिप नहीं थी, और इसकी वजह से फॉरेन पावर्स को ये मौका मिल गया था कि वो आके यहाँ पे डेरा जमा सके। सेकेंड पॉसिबल कॉज था कि हमारे जो लोकल रूलर्स थे उनको जो नेवल पावर थी उसका अंदाज़ा ही नहीं था, ना उनको उसमें रुचि थी, वो उनको पता ही नहीं था नेवल स्किल्स क्या है, शिप बिल्डिंग क्या है, शिप के ज़रिए कैसे मोनोपोली पे अपना राज अपना वो कंट्रोल किया जा सकता है, उस सब का उनको कोई आइडिया नहीं था। और इस चीज़ का जो पोर्टुगेज पावर थी उन्होंने बहुत एडवांटेज लिया, क्योंकि उन्होंने सी रूट के थ्रू ही वो लोग आते थे, सी रूट के थ्रू ही उन्होंने ट्रेड किया था, तो इस चीज़ की वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब हम देखेंगे कि पोर्टुगेज इंडिया कैसा था, पोर्टुगेज जब इंडिया में आए थे तब इंडिया क्या था। पहले तो इंडिया का नाम था वो उस टाइम पे स्टेडो द इंडिया, जो पोर्टुगेज इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, और उस दौरान जो बहुत सारे कोस्टल एरियाज थे वो पोर्टुगेज के इर्द गिर्द आ गया, हम या यूँ कहें कि पोर्टुगेज ने उन्हें अपना बना लिया था, उन पर पोर्टुगेज का ही राज हो गया था उस टाइम पे, और वो भी बहुत कम टाइम में, 50 इयर्स में ही। जब वास्को डगामा आए थे उसके 50 साल के अंदर अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा अपना राज कर लिया था, पहले 3 सी उसके बाद सारे कोस्टल एरियाज में। गोवा में तो पूरी तरह से राज कर लिया था, उसके बाद जो कोस्टल एरियाज है मुंबई महाराष्ट्र साइड दमन एंड दीव उस साइड में, ये आप मैप देख रहे हो, ये दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव गोवा मुंबई उस सारे साइड में जो कोस्टल एरियाज थे बेसिकली वहाँ भी पोर्टुगेज ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए थे, और ट्रेडिंग सेंटर्स में जो काम करते थे वर्कर्स थे, वर्कर्स में लाइक रहने के लिए उनके घर बनाए हुए थे, लाइक सिटीज़ बना दिए थे छोटे छोटे, तो उन्होंने अपना पूरी तरह से राज जो है स्थापित कर लिया था, वो भी 50 साल के अंदर अंदर। दे वर वेरी टैलेंटेड। On the west coast from Mumbai to Daman and Diu to Gujarat, they controlled a narrow tract with 4 important ports and hundreds of villages and towns. चार major ports थे, यानी कि 4 branches थे या headquarters थे, और उन branches में जो काम करते थे workers थे, उनको रहने के लिए घर थे, villages बनाए थे, फिर like मान लीजिए दुकानें थी, जहाँ घर होगी वहाँ दुकानें भी होगी, जहाँ से exchange हो जाए goods and services, तो उसी तरह से मतलब 100 विलेजेस बनाए थे उन्होंने 50 साल में, 4 पोर्ट्स और 100 विलेजेस। इन द साउथ दे हैड अंडर देम ए क्लेम ऑफ सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स लाइक मैंगलोर कैनोर कोचिन एंड कालीकत। साउथ में भी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे उन पे मेनली वो लोग पोर्ट्स के आसपास ही रहते थे, और जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे उन पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया था, और उनके जो मिलिट्री पोर्ट्स थे वो चेन्नई और आंध्र प्रदेश में थे, और उनका नाम था सेंट थॉम और नागापट्टनम। ये आपको प्री में आ सकता है, सो आप इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे पोर्टुगेज का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, कि कौन जो है उनको एडमिनिस्टर करता था, इतनी ज़्यादा ह्यूज पावर थी, 50 विलेजेस 4 पोर्ट्स, उसको मेंटेन कैसे किया जाता था। लेट्स स्टडी दिस। जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको वाइसरॉय बोला जाता था, और उनका जो टिन्योर था वो 3 साल तक का था, लाइक यहाँ पे बोला हुआ है ना अमिताभ बच्चन जी ने, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है वाइसरॉय, तो ही वॉज ऑल इन ऑल, जो वो कहेंगे वो हो जाता था उस टाइम पे। उनके बाद जो नेक्स्ट पावर वाले बंदे थे वो थे वेडोर डा
फजंजा, उनको वेदोर डा फजंजा बोला जाता था, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज एंड कार्गोज एंड डिस्पेच ऑफ फ्लीट्स। जैसे कि हमने कहा कि जो पोर्टुगेज का जो मेन ट्रेड था वो नेवल रूट के थ्रू होता था, तो ये जो बंदे थे इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो कार्गोज को देखे, कोई हेरा फेरी ना हो, कोई पायरेसी ना हो, कुछ इधर उधर ना हो, और जो पैसे रेवेन्यू यानी कि क्या कितने पैसे आ रहे, कितने पैसे कमा रहे, उन सब का चार्ज जो है वो इनके पास होता था। यानी कि वाइसरॉय के नीचे वाले बंदे जो थे वो ये थे, किंग खान। अब हम देखेंगे कि पोर्टुगीज जो थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे या किस रिलीजियस पॉलिसी में बिलीव करते थे। जब पोर्टुगीज यहाँ पे आए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि प्रिंस हेनरी को बोला था जा सिमरन जाओ, जी ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि क्रिश्चियनिटी को फेथ स्प्रेड करना है चारों जगह पे, क्रिश्चियनिटी को जितना हो सके उतना स्प्रेड करना है, और जो उनके राइवल्स थे उनको सबक सिखाना है। इस उद्देश्य से पोर्टुगीज यहाँ पे आए थे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, द पोर्टुगीज ब्रॉट विद देम द सेम ज़ील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड विश टू परसिक्यूट मुस्लिम्स। मुस्लिम जो थे वो उनके सबसे बड़े राइवल थे उस टाइम पे, और इसीलिए वो उनको सबक सिखाना चाहते थे। सबसे पहले जो जब वो आए थे न्यू, तब वो जो हम हिंदू धर्म के साथ लीनियंट थे बहुत, वो उनके साथ इतना ज़्यादा हार्श नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना डेरा जमा लिया तब उन्होंने हिंदू धर्म की तरफ भी बहुत इंटॉलरेंट बिहेवियर दिखाया, और वो लगे पड़े कि क्रिश्चियनिटी को कैसे स्प्रेड करें और सबको क्रिश्चियन में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन उस दौरान जो मुगल एम्परर थे वो थे अकबर, जो कि सिक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, वो हर रिलीजन में रुचि रखते थे, क्योंकि उनकी वाइफ भी थी वो भी हिंदू थी, तो जोधा अकबर फिल्म तो आपने देखी होगी। तो अकबर जो थे वो हर रिलीजन को तरफ बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, तो इसीलिए उनकी इतनी इंटॉलरेंट बिहेवियर रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से भी उनको अकबर की कोर्ट में बहुत इज्जत मिलती थी, क्योंकि अकबर जाते थे, अकबर को क्यूरोसिटी थी उनके रिलीजन के बारे में जानने की, और अकबर जो थे बहुत रिस्पेक्ट करते थे हर रिलीजन को, और इसीलिए उनको अकबर की कोर्ट में बहुत अच्छा इज्जतदार दर्जा मिलता था। और इसीलिए सितंबर 1579 में अकबर ने एक लेटर भेजा, जो जिसुइट्स थे, जो पोर्टुगीज थे, उनको लेटर एड्रेस करते हुए भेजा कि अकबर की कोर्ट में दो प्रिस्ट की, क्रिस्टन प्रिस्ट की ज़रूरत है, ताकि कोई फंक्शन है उसमें दो क्रिस्टन प्रिस्ट को चाहिए। और इस दौरान जब लेटर आया तब पोर्टुगीज वाले इतने खुश हो गए, उनको लगा कि ये दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि महाराज ने खुद लेटर भेज के इन्विटेशन दिया है, तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टर्न महाराज इंटू क्रिश्चियनिटी। एंड अगर एक बार मुगल एम्परर ही क्रिश्चियन बन गए तो उनके सब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन बनेंगे ही बनेंगे, तो दे वर वेरी हैप्पी हियरिंग द न्यूज़। सो दिस वॉज लाइक मौका सिचुएशन फॉर देम। तो इसीलिए जो मुगल कोर्ट में गए थे, जो दो जेसुइट्स फादर थे उनका नाम था रोडोल्फो एक्विविवा एंड एंटोनियो मोंसरेट, एंड जो मुगल कोर्ट में गए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुगल एम्परर जो थे उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, बट जो फादर्स थे उनको बहुत इज्जत दे के वो सेरेमनी कोई अटेंड करा के वो फिर अपने जो घर है वो वापस लौट गए। फिर अकबर के बाद आए उनके बेटे सलीम यानी कि जहांगीर। जहांगीर पहले तो उनकी तरफ इंटॉलरेंट थे और वो मुस्लिम को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे और क्रिश्चियंस को फेवर नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने फादर के गुण लेने लगे और वो सारे धर्म को रिस्पेक्ट करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम पोर्टुगीज और कौन से यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए थे वो पढ़ेंगे, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा आया होगा। और इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।